आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो कि ई सिम और फिजिकल सिम के बीच कन्फ्यूज रहते हैं, और आप इस चीज़ को ऑनलाइन काफ़ी वाइडली सर्च भी करते हो। हम इसको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि ई सिम और फिजिकल सिम में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली बात करें तो ई सिम रिलेटिवली नई टेक्नोलॉजी है फिजिकल सिम के कंपेरिजन में, एंड दिस इज द रीजन ई सिम ज़्यादा सिक्योर देखने को मिलता है, क्योंकि आपने काफ़ी सारे केसेस देखे होंगे कि फिजिकल सिम कॉपी वगैरह हो जाती है, जो चीज़ें आपको ई सिम में देखने को नहीं मिलती है। और ये नई टेक्नोलॉजी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा रेयर देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में नहीं होता है। आपको देखने को मिलेगा स्मार्टफोन के जो अपर मिड रेंज स्मार्टफोन्स होते हैं या फिर आईफोन्स में देखने को मिलता है जनरली। नाउ फिजिकल सिम नेम से ही पता चल रहा है कि सिम को आपको फिजिकली इंसर्ट करना पड़ता है अपने सिम ट्रे के अंदर, जबकि ई सिम के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके जो फोन मैन्युफैक्चरर है वो पहले से ही आपके मदरबोर्ड में सिम को अटैच कर देते हैं। आपको जस्ट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अगर आपके पास कोई फिजिकल सिम है तो उसको आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा ई सिम के अंदर, जो कि आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पर अगर आप स्टोर वगैरह पर विजिट करते हो कुछ चार्जेस वगैरह लेंगे तो वो ई सिम में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर अगर आप नया नंबर ले रहे हो आप डायरेक्टली कहोगे कि ई सिम में ही मेरे को सिम देना, फिजिकल सिम नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे वो आपको ई सिम डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें आपको फिजिकली कोई भी सिम इंसर्ट करने की नीड नहीं होती है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि ई सिम में आपको अलग से रिचार्ज प्लान वगैरह की नीड होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सिमिलर टाइप से बिहेव करते हैं। जस्ट वहाँ पे आपको फॉर्मेट अलग देखने को मिल रहा है, फिजिकल सिम में आपको फिजिकल सिम डालनी पड़ रही है, ई सिम के केस में आपको एक आईडी बनवानी पड़ती है जो कि आपके सर्विस प्रोवाइडर बना देते हैं, उसके बाद वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर वाइज वर्क करता है। नाउ ई सिम के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल को फ्रीक्वेंटली चेंज करते हो तो उस टाइम पे आप इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। अगर आपके पास फिजिकल सिम होती तो आप एक सिम ट्रे से निकालते, दूसरे वाले नए वाले स्मार्टफोन में डाल देते, लेकिन ई सिम के केस में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। उसके लिए प्रोसीजर आपको पुराने वाले मोबाइल में ही फॉलो करना पड़ता है। पहले मैसेज डालो, ईमेल पे क्यूआर कोड आएगा, उसको स्कैन करो अपने नए वाले मोबाइल से, तभी आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। उसके बाद भी 24 आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा अपने मैसेजेस को एक्टिवेट होने के लिए, क्योंकि 24 आवर्स के लिए वो बंद हो जाते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पजेस। अगर आप गलती से भी भूल जाते हो अपने सिम को ट्रांसफर करना, तो उस टाइम पे आपको दोबारा सिम को रीइशू कराना पड़ेगा अपने सर्विस सेंटर विजिट करके। और जो एडवांटेजेस आपको ई सिम के साथ देखने को मिलते हैं, वही उसका मेन रीजन भी है जिसकी वजह से ई सिम का यूज़ किया जाता है। एक तो इसमें आपको बेटर सिक्योरिटी देखने को मिलता है फिजिकल सिम के कंपैरिजन में, और दूसरा क्या है कि ई सिम में आप मल्टीपल प्रोफाइल बना सकते हो, क्योंकि आजकल की स्मार्ट वॉचेस ई सिम को सपोर्ट करती है, जैसे कि एप्पल वॉचेस या फिर सैमसंग गैलेक्सी वॉचेस। अब डेफिनेटली उनके लिए तो आप अलग से ई सिम बाई करने नहीं जाओगे या फिर सिम नहीं निकलवाओगे, तो वहाँ पर जो आपके स्मार्टफोन में ई सिम देखने को मिलती है वही सिम यूज हो जाती है आपके स्मार्ट वॉचेस में, आपको कोई अलग से सिम निकलवाने की नीड नहीं होती है।